अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू फिर उनकी सत्ता यहां लौटी है, जबरदस्त बहुमत उन्हें हासिल हुआ है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर यू। व्हाट आर द रीजंस डू यू थिंक दैट दिस टाइम द विक्ट्री हैज बीन इवन बिगर देन 2019 व्हेन बीजेपी ऑफ इट्स ओन फॉर्म द गवर्नमेंट? इस बार का जो विक्ट्री हुआ है ये पब्लिक ने एक अच्छा मैंडेट के साथ में एक नया रिकॉर्ड दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 2019 इलेक्शन में वी वोन बाय 41 सीट्स आउट ऑफ 60 एंड दिस टाइम इन 2024 यू नो वी हैव बीन एबल टू ऐड 5 मोर सीट्स, एज ऑफ नाउ वी आर 46 इन बीजेपी। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है और जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में जो अरुणाचल प्रदेश में काम हुआ है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी बात करें तो आपने अरुणाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ देखा है। आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और आप खुद पॉलिटिक्स में आए। कांग्रेस में थे आप पहले, अब बीजेपी में हैं। कांग्रेस एक समय बहुत स्ट्रांग था यहाँ पे और पूरे नॉर्थ ईस्ट में। क्या हुआ कि इस बार अरुणाचल में सिर्फ एक सीट में सिमट के रह गई? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आप कांग्रेस में थे, बीजेपी में भी आप बहुत दिनों से आप मुख्यमंत्री हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे सरकार चलाया, तो उस दौरान अरुणाचल प्रदेश और कांग्रेस को पूरा एक करप्ट सिस्टम बना के रखा था। केंद्र सरकार से उस वक्त में कुछ जो भी काम लेके आना है तो विदाउट मनी कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था वो वहाँ से सेंक्शन भी नहीं करता था। सो इसके चलते अभी बीजेपी आने का बाद में एंड बीजेपी इज क्वाइट न्यू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो सब लोग ने मन बना लिया कि इस प्रकार से स्टेट को चलाया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ के पब्लिक ऑफिसर्स लीडर सबको ही एक करप्ट सिस्टम में चलना पड़ता था। तो सब लोग ने ये निर्णय लेके तो पूरा बीजेपी में ज्वाइनिंग हुआ और बीजेपी इज ए पार्टी विद द डिफरेंस, यहाँ में करप्शन का इवन सी तक भी नहीं चलता है यहाँ पे। कांग्रेस तो पूरा करप्शन से ही भरा हुआ है, इसलिए इस बार का चुनाव में भी यू कैन सी दैट आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज केवल एक ही सीट में कांग्रेस ने विजेता दर्ज कर पाया है। इससे ये इंडिकेशन है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश की जनता दे हैव रिजेक्टेड द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम आवर स्टेट। तो आपने तय कर लिया है कि नेक्स्ट कौन से गांव में जाना है पैदल चल के? बिल्कुल, मैं तो हमेशा टूर पे ही रहता हूँ, सो काम के साथ साथ मैं एडवेंचर भी एंजॉय कर लेता हूँ। डेफिनेटली आने वाला दिनों में भी हमेशा हम टूर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, इस जीत के कारीगर, और उन्होंने इस पार्टी को लीड किया है, अपने पार्टी को इस बार चुनाव में, और बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। ईटानगर से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।